चेहरे पे चाहिए बेदाग गोरापन, अगर आप अपने एज से काफी कम दिखना चाहती हैं तो करें घर पे एक बार ये दही फेशियल। लड़का हो या लड़की दोनों कर सकते हैं। चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। जैसा मैं बता रही हूँ तो चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा। शादी पार्टी, किसी भी स्पेशल ओकेजन में जाना हो, एक बार इस फेशियल को ज़रूर करना। दावे के साथ ये दही फेशियल अगर आपने घर पे कर लिया, लड़का हो चाहे लड़की, हफ्ते में एक बार भी कर लिया, इंस्टेंट ग्लो मिलेगा, ये मेरा दावा है। ट्रस्ट मी गाइस, ये दही फेशियल आपके स्किन को ही नहीं निखारता। चेहरे पे हो रहे दाग धब्बे, कालापन, झाइयां, पिगमेंटेशन या फिर बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स हो गए, काले घेरे बन गए हैं, तो इसे भी ये ठीक करता है। आपके स्किन पे किसी तरीके के प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आप घर बैठे ठीक करना चाहते हैं, बिना पैसे खर्च किए हुए, बिना पार्लर में गए हुए, ये दही फेशियल आपको एक बार घर में जरूर करना चाहिए। लड़का हो लड़की हो, 15 साल से उम्र में बड़े हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 के साल के भी हो गए, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा रिंकल्स, फाइन लाइंस, आपके चेहरा झुर्रियां से भर गई है, कालापन से भर गया है, तो ये जो दही फेशियल है स्पेशली आपके लिए ही क्राफ्टेड किया गया। ये अपने एक फ्रेंड को बताया और उसने आके मुझे बताया। रिजल्ट भाई, उसका रिजल्ट इतना अच्छा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और आपके सामने आ गई हूँ। इस दही फेशियल को कैसे करना है चलिए बताते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है, प्रेस किए बिना आगे मत बढ़िएगा, उससे ही आपको रोजाना मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बताते हैं इस फेशियल को करना कैसे जैसा है। जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आपने ऑनेस्टली से वैसे ही थॉटफुली कर लिया ना, रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने अपना दिमाग लगाया या फिर आपने बहुत ज्यादा स्किप करके वीडियो देखा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये भी मैं बता देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन योगर्ट यानी कि दही। दही जो होता है ना, बहुत अच्छा जो एक रेमेडी होता है, घर पे रखते हैं आप सब जानते हैं, मगर उसका सही इस्तेमाल अगर आपने कर लिया ना, सिर्फ बेनिफिट्स है और कुछ नहीं है। चेहरे को इतना मॉइस्चर देता है, इतना सॉफ्ट एयर बनाता है, आप अपने चेहरे को पहचान नहीं पाइएगा। तो आपको लेना है यहाँ पे क्या, 2 चम्मच योगर्ट यानी कि दही, गाढ़ी दही ले लेंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो चछनी से छान करके उस गाढ़ी दही को निकाल लेंगे। और उसके बाद इसमें ऐड करना है चावल का आटा। यस फ्रेंड, चावल का आटा में इतनी रिच अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो चेहरे को इतना अच्छा से क्लीन करते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। उतना तो मैं सच बताऊं कि चावल के आटे से मुझे प्यार हो गया। ऐसे ही नहीं, कोरियन अपने स्किन पे चावल का इस्तेमाल करते हैं, चावल के पानी का, चावल के आटे का, चावल का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्किन भी बिल्कुल जो कहते हैं ना एकदम लाइटेन, इतनी मतलब प्यार हो जाए ऐसी स्किन से। तो आपको क्या करना है, चावल का आटा लेना है 1 से 2 चम्मच, एक अच्छी क्वांटिटी आप बढ़ा घटा सकते हैं, मैं बार बार आपको बता देती हूँ, क्योंकि देखिए क्वांटिटी क्या होता है ना, किसी का फेस का एरिया बड़ा रहता है, किसी को एक साथ और मिलके लगाना रहता है, या फिर आपको नेक में लगाना, किसी को नेक में नहीं लगाना, किसी को हैंड में नहीं लगाना, तो आप क्वांटिटी उसी हिसाब से बढ़ा घटा सकती हैं। तो यहाँ मैंने 1 से 2 चम्मच यहाँ पे चावल का आटा ले लिया है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक। टर्मरिक मैजिक करेगा आपकी स्किन पे, ट्रस्ट करिए। टर्मरिक जो है ना आपकी स्किन पे जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसे ठीक करता है। आपकी स्किन पे हो रहे हैं रैशेस, रेडनेस, चेहरे पे पिंपल, बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, चेहरे को ब्राइटन बनाने में कारगर है। इसको मिक्स करने के लिए आपको अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी योगर्ट दे रखा है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारा पैक बनके रेडी हो चुका है। देर किस बात की है, चलिए इस पैक को लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पैक को लगा लेना है अपने पूरे स्किन पे अच्छे से, हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए, मसाज करके लगाएंगे, हल्के हाथों से अच्छे से मसाज करते हुए चेहरे पे लगा लेना है। छोड़ना कितना टाइम है, 20 मिनट के लिए आप अपने स्किन पे छोड़ दें, आराम से लेट जाए, काम है तो काम भी कर सकते हैं, बट आपको सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं जाना है। तो आपने क्या करना है, 20 मिनट के लिए अपने स्किन पे लगा करके छोड़ देना है। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। जैसे ही आप वॉश करेंगे आप अपने स्किन पे पाएंगे कि सारे जो डेड सेल्स थे, सारे जो स्पॉट्स थे, सारे जो गंदगी थी, सारे जो टैन थे, सारे जो मैल थे चले गए हैं। मिरर में देख के ये बस मुंह से निकलने वाला है वाओ, क्योंकि ये इतना ज्यादा वर्क करता है। लगा लिया, वॉश कर लिया, चेहरा ग्लो करने लगा, ऐसे नहीं छोड़ना है, मॉइस्चराइजर लगाना है। आपके घर में कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम है आप इस्तेमाल करते हैं आप लगा सकते हैं, या फिर आपने कोई सीरम मेरा बना रखा है, क्रीम कोई बना रखा है उसे आप लगा सकते हैं, वो सारी चीजें नहीं है। एलोवेरा जेल है वो लगा सकते हैं, वो भी नहीं है, कोकोनट ऑयल है, बस उसे लगा लीजिए। और हल्के हाथों से आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है, वो भी 2 से 3 मिनट। ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं फॉलो करने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि ऐसी कुछ भी हवा में बातें नहीं करती हूं मैं,
पहली बार में रिजल्ट मिलेगा। पहले का पिक खींच के रख लीजिए, बाद का पिक खींच के रखिए और आप मैच करिए क्या वो मैच हो रहा है। आप खुद समझ जाइएगा कि नहीं ये काम तो करता है, ये तो है एक बार का रिजल्ट। सोचिए जरा अगर आपने हफ्ते में एक से दो बार कर लिया इसे हर हफ्ते में तो रिजल्ट अच्छा होगा कि नहीं। अगर आपको आपके शादी पार्टी या किसी स्पेशल ओकेजन में जाना, अपने चेहरे का बहुत ज्यादा कालापन हो गया है घर पे भी, तो आपको रेगुलर इसे 5 डेज करना है। उसके बाद आप अल्टरनेट डेज या फिर 2 दिन छोड़ करके भी कर सकते हैं। ये था मेरा बेस्ट और बेस्ट से भी बेस्ट ये फेशियल जो आपको अपने घर में कर सकते हैं, बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। किस रीजन से आपको करना है, चेहरे पे कालापन, दाग धब्बे या फिर इरिटेशन हो रहा है, चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका है, डल पड़ चुका है, टैन आ चुका है, इन सब के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये प्यारा सा फेशियल। सो आई होप यू गाइस कि आप समझ गए हैं इसे कैसे प्रिपेयर करना, कैसे एग्जीक्यूट करना, कैसे इस्तेमाल करना। बहुत सिंपल से स्टेप्स मैंने बता दिए। अगर आपको लगता है फिर भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मन में, तो फटाफट से आके मेरे चैनल पे आकर के फटाफट से कमेंट के थ्रू पूछ लीजिए, मैं इंस्टेंट में रिप्लाई देती हूँ। सो आई होप यू गाइस कि आप समझ गए हैं। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो से कोई भी नॉलेज मिले लाइक और शेयर उन लोगों को कीजिए जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए और अपनी स्किन का तो बिल्कुल ख्याल रखिए। बाय बाय।